हाँ जी। तो भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होगे और अच्छी भी नहीं कर रहे होगे। और भाई, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो वीडियो को देखते हैं, उन्हें पता होगा हमारे T10 क्लीन स्वीप जा रहे हैं। सारे के सारे T10 मैचेस क्लीन स्वीप जा रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आओ, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम पे आओ, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। टीम में वहाँ पर शेयर करता हूँ फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद और टॉस होने के बाद, किसे ड्रॉप करना है, किसे पिक करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फैंटेसी कैप्टन नाम से चैनल का नाम है। ठीक है, तो आइए आज अपने मैच का देखते हैं, जो कि 7 बजे का मैच है सनराइज़र और हाइकर्स के बीच में। ठीक है, वैले हाइकर्स के बीच में शाम में 7 बजे खेला जाएगा। ठीक है, बात करें इनके पिच रिपोर्ट की, तो पिच वही सेम होती है इनकी, बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है और जो टॉस जीतेगी टीम वो बैटिंग फर्स्ट लेगी। ठीक है, इनके हेड टू हेड लास्ट 5 मैचेस की बात करें, 2 मैचेस विन किया है सनराइज़र ने, 3 मैचेस विन किया है वैले हाइकर्स ने। ठीक है, 2 वैले हाइकर्स आ रहे हैं, 3 सनराइज़र्स आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 इनकी कुछ इस तरह से रहने वाली है। स्टेफन फास्कल 9 मैच में 206 रन किए हुए हैं। सेजिमिर बेंजामिन 9 मैच में 180 रन किए हुए हैं। सैडर डिस्क्रेट्स 9 मैच में 144 रन। किशार्की लुविस 9 मैच में 110 रन। शेन शिलिंगफोर्ड 9 मैच में 71 रन। ये जो शेन शिलिंगफोर्ड है ना, इसको ध्यान रखना, ये ग्रैंड लीग की पिक है। बॉलिंग ये बंदा अभी तो नहीं करा रहा है, ठीक है, बैटिंग में ये ऊपर ही आता है, वन डाउन या ओपनिंग करने ही आता है। ओपनिंग में अगर इसने 20-30 रन मार दिया और बॉलिंग कराने 1 से 2 बार अगर ये आ गया तो ग्रैंड लीग आपको निकल जाएगा। ठीक है, कर्स्टन सेजमीर 9 मैच में 63 रन। जैसन पेरिस 9 मैच में 49 रन। केमिया स्ट्रॉन्स 7 मैच में 7 रन। रेड हॉक निकोलस 9 मैच में 5 रन। एबिसाइस टीम 8 मैच में 3 रन। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो बॉलिंग सेक्शन कुछ इनकी इस तरह से है। रेड हेड निकोलस 9 मैच में 6 विकेट। सेड्रिक डेस्क्रेट्स 9 मैच में 6 विकेट। केमिया स्टोरेंस 7 मैच में 5 विकेट। शेन शिलिंगफोर्ड 9 मैच में 3 विकेट। देख लो भाइयों, मैंने कहा था ना कि ये जब बॉलिंग कराने आता है तो विकेट लेता है, बट इससे बॉलिंग बहुत कम करवाई जाती है, बॉलिंग इसे दी नहीं जाती। एक बार करा देगा मुश्किल से, अगर इसे 2 बार दिएगा तो 1 से 2 विकेट तो ही निकालेगा। ठीक है, और ओपनिंग करने आता है या वन डाउन आता है, ध्यान रखना शेन शिलिंगफोर्ड का। किशार्की लुइस 9 मैच में 3 विकेट। एबिशाई एटीने 8 मैच में 3 विकेट। केशॉन लुइस 4 मैच में 1 विकेट। जैसॉन पेरिस 9 मैच में 1 विकेट। ठीक है, तो ये थी कुछ इनकी प्लेइंग 11। अब बात करते हैं इनके टीम कॉम्बिनेशन की। तो बेंजामिन इनके विकेट कीपर हैं। स्टेफन वास्कल और सेड्रिक डिस्क्रिट्स ये ओपनिंग करने आ सकते हैं। ठीक है, बेंजामिन आएंगे जो विकेट कीपर हैं, वो वन डाउन आएगा या शायद बेंजामिन को ओपनिंग करवा दिया जाए। ठीक है, देन केशको लुविस, शेन शिलिंगफोर्ड, जेसन पेरिस, एंड्रयू मैथ्यू ये मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। ठीक है, इसमें से 2 बंदे हैं जो ऊपर आ सकते हैं। एक है शेन शिलिंगफोर्ड जो कि ऊपर प्रमोट किया जा सकता है, और एक है जो कैप्टन, वो खुद भी आ सकता है ऊपर, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन से बात करें इनकी, तो बॉलिंग सेक्शन इनका केमिया स्ट्रॉन, सैड्रिक डिस्क्रॉट्स, जेसन पेरिस, स्टेफन पास्कल, केशॉन विली, रेड हेड निकोलस, ठीक है, ये बॉलिंग कराने आएंगे, ये बॉलिंग कराते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके इनफॉर्म प्लेयर की। इनफॉर्म प्लेयर में डेस्क्रेट्स है, एवरेज पॉइंट्स 51 देके जाता है। बेंजामिन है, 40 एवरेज पॉइंट दिया हुआ है। स्टेफन पास्कल की बात करें, 36 का एवरेज पॉइंट दिया हुआ है। केशकी लिविस की बात करें, 33 का एवरेज पॉइंट है। और रेड निकोलस जो बॉलर है, 30 का एवरेज पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं अभी वैले हाइकर्स की प्लेइंग 11 की। तो जिटरन पॉप 9 मैचों में 310 रन किए हुए हैं। शेलॉन जॉर्ज 9 मैचों में 200 रन किए हैं। ब्रायन जोसेफ ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहा है, 9 मैच में 88 रन किए हैं। एलेक्स एनाटोनी 9 मैच में 86 रन किए हैं। के जेम्स 9 मैच में 84 रन। कैबे 9 मैच में 26 रन। रिक जेम्स 5 मैच में 16 रन। जे जेम्स 9 मैच में 9 रन। कैरन फिलिप 6 मैच में 4 रन। जेडन जेम्स 6 मैच में 1 रन। बॉलिंग सेशन इनकी बात करें तो जेमी जेम्स 9 मैच में 10 विकेट लिया हुआ है। बी जोसेफ 9 मैच में 9 विकेट लिया है। ठीक है, ये 2 काफ़ी अच्छे फॉर्म में जा रहे हैं और विकेट काफ़ी अच्छा ही निकालना है इसमें से। ब्रायन जोसेफ कुछ स्पेशल, ये बैटिंग से भी कर रहा है, बॉलिंग से भी कर रहा है। ठीक है, कैल कैपे की बात करें 9 मैच में 8 विकेट। जेडन पॉप की बात करें 9 मैच में 8 विकेट। डिलानी एलेक्जेंडर 9 मैच में 6 विकेट। एलेक्स एनाटोनी 9 मैच में 4 विकेट। केविन जेम्स 9 मैच में 1 विकेट। केरन फ्लॉप 6 मैच में 1 विकेट। ठीक है, ये कुछ इनके प्लेयर स्टेट्स रहे हैं वैले हाइकर्स के। ठीक है, बात करते हैं इनके टीम कॉम्बिनेशन की। इनकी टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से है, शेलॉन जॉर्ज और जेडन पॉप आएंगे ओपनिंग करने, ब्रायन जोसेफ आएगा वन डाउन, काइल कैपे, ओडमार ऑनर, डिलानी अलेक्जेंडर, केविन जेम्स ये मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। बाकी इनकी बॉलिंग सेक्शन से ब्रायन जोसेफ, डिलानी अलेक्जेंडर, कायरन फिलिप, जेमी जेम्स, जिड्रॉन पॉप, जेडन जेम्स ये सारे बॉलिंग सेक्शन से आएंगे, मतलब बॉलिंग ये कराते हैं। ठीक है, बात करें बीएचके के इनफॉर्म प्लेयर्स की।
जेडन पॉप, बेरन जोसेफ, जेडन जेम्स, जेमी जेम्स, शेलॉन जेम्स, ठीक है, जिसमें जेडन पॉप ने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया, 92 का एवरेज पॉइंट लेके चल रहा है ये, और बेरन जोसेफ 54 का एवरेज पॉइंट लेके चल रहा है, तो ध्यान रखना। बात करते हैं हमारे सेफ चॉइस, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस की, जी पॉप का नाम सबसे पहले आता है, फिर बी जोसेफ और एस डेस्क्रेट्स, इन तीनों में से ही आज स्मॉल लीग में सब इसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, इन तीनों पे ही मैच डिपेंड करेगा स्मॉल लीग का। अब जीएल चॉइस की बात करें कि ग्रैंड लीग में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, तो सी बेंजामिन को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इन्हें कैप्टन बहुत कम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो इन्हें बनाना, वन डाउन आएगा या ओपनिंग भी आ सकता है, काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। शिलिंग फोर्ड की जैसा कि मैंने बताया, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर पर ये खेलता है, और बॉलिंग से भी आपको ये पॉइंट दे सकता है, बैटिंग से भी देगा। एन टोनी बॉलिंग भी कराता है, बैटिंग करता है, ध्यान रखना, हार्ड हिटर है, तो ये जीएल की चॉइस थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई ऐसी थी कुछ हमारी आज की प्रेडिक्शन, ठीक है, और चैनल को ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम है वहीं पे आपको दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे फैंटेसी कैप्टन नाम से, ठीक है। अभी तक हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई ये E10 के रिकॉर्ड निकालने भाई इतने हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं, कहाँ कहाँ से मैं रिकॉर्ड निकाल के लाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें मैं एक जगह पर आपको बता सकूँ, ठीक है भाई। तो भाई लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। आइए अब बात करते हैं ज़रा हमारी ड्रीम इलेवन डेमो टीम की। तो ड्रीम इलेवन की डेमो टीम हमारी कुछ ऐसी है, विकेट कीपिंग सेक्शन से सी बेंजामिन, बैटिंग सेक्शन से जी पॉप, टीवीएच से के कैबे, बट एक चीज़ यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हो रही है, या तो आप एस पास्कल के साथ जाओ या तो आप कैबे के साथ जाओ। कैबे क्या होता है कि मिडिल सेक्शन में खेलता है ये, बट बॉलिंग के साथ दो ओवर कराएगा ये, एस पास्कल टॉप ऑर्डर पे खेलता है, ठीक है। फिलहाल मैं के कैबे के साथ जा रहा हूँ, एस जॉर्ज ओपनिंग करने आएगा, ठीक है। बी जोसेफ पता ही है आपको, बॉलिंग बैटिंग दोनों कराता है, टॉप फॉर्म में चल रहा है ये आजकल, ठीक है। एस शिलिंगफोर्ड, डी एलेक्जेंडर, एस डेस्क्रेट्स, ठीक है, एन एंटोनी, आर निकोलस, के स्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे ना के स्ट्रॉन के मतलब के स्ट्रॉन को तुम ड्रॉप करके जे जेम्स के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल के स्ट्रॉन के साथ जा रहा हूँ, लाइनअप आने दो और टॉस होने दो, कौन बैटिंग कर रहा है कौन फील्डिंग कर रहा है उस हिसाब से मैं देखूँ किसे लेना है किसे ड्रॉप करना है, और फाइनल टीम मैं आपको फैंटेसी कैप्टन चैनल टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा मैं, जाकर ज्वाइन कर लेना। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक काम नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं आज के कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जी पॉप, एस डेस्क्रेट्स, फिलहाल के लिए मैं अभी डेमो टीम में इनके साथ जा रहा हूं, आगे टॉस होने के बाद मैं देखता हूं, ठीक है। ग्रैंड लीग का मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, ए एन अटोनी ध्यान रखना, ये ग्रैंड लीग पिक है, और एस शिलिंगफोर्ड इसे भी आप कैप्टन बना सकते हो, और ग्रैंड लीग के लिए आप सी बेंजामिन के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और दो प्लेयर मैंने बताया हुआ है वीडियो में, देख लेना अच्छे से, उस हिसाब से अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाना, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाइयों। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।